हाय मदन चलकर में आपका स्वागत है। प्रेगनेंसी और डिलीवरी से संबंधित बहुत सारी बातें, पर्सनल बातें, सीक्रेट बातें जो हमारे मन में चल रही होती हैं, लेकिन हम हर किसी से पूछ नहीं पाते हैं। अगर हम पूछ भी लेते हैं तो हमें एक सेटिस्फाई आंसर हमें नहीं मिल पाता है। तो ऐसी ही 15 बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो हर एक गर्भवती महिला को जानना जरूरी है। हर एक प्रेगनेंट लेडी का हक है ये बातें जानने का, ताकि वो पहले ही इन चीजों से अवेयर हो जाए। तो 10 ऐसी सीक्रेट बातें, पर्सनल बातें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को प्लीज जाके जरूर देखिए। तो आज हम 15 बातें और ऐसी करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि आज जब नॉर्मल डिलीवरी में चीरा लगाया जाता है, उस टाइम जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोशी का जो इंजेक्शन दिया जाता है, वो कहाँ दिया जाता है? तो वो आपके प्राइवेट पार्ट में दिया जाता है, और आपके प्राइवेट पार्ट का ऊपरी हिस्सा जिसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा जिसको बोलते हैं, वहां वो इंजेक्शन लगाया जाता है। कब लगाया जाएगा? जब आपके बेबी का सिर दिखने लग जाता है आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू, उस टाइम जो है डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, क्योंकि उस टाइम आप इतने लेबर पेन में होती है कि आपको पता ही नहीं चलता, आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि डॉक्टर ने कब इंजेक्शन वहां पे लगा दिया है। दूसरी, अगर हम बात करें क्या डिलीवरी के दौरान सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा स्टूपिड लगे, लेकिन मेरे पास एक बार किसी का कमेंट आया था तो मैंने सोचा बता दूं। तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान आपका जो ऊपर जो पहना होता है वो एज इट इज रहता है, लोअर के नीचे के जो भी कपड़े पहने होते हैं वो सारे आपके निकाल दिए जाते हैं। अगर हम बात करें सी सेक्शन की, तो सी सेक्शन में वो अपना अलग से गाउन देते हैं जिसको स्टरलाइज किया जाता है, तो नीचे आपको कुछ नहीं पहनाते, और जब आपको टेबल पे लिटाते हैं तो नीचे की जो वो बॉडी पार्ट है वो आपको कवर कर दिया जाता है, और गाउन है उसको हल्का सा ऊपर उठा दिया जाता है, यानी सिर्फ उस टाइम पे आपका पेट दिख रहा होता है और सब हाइड कर दिया जाता है, और डिलीवरी होने के बाद फिर से आपको गाउन अच्छे से पहना दिया जाता है। थर्ड बात आती है, क्या डिलीवरी रूम में हस्बैंड या फैमिली मेंबर कोई भी अलाउ होता है? तो इंडिया में ऐसा अलाउ नहीं करते हैं, बहुत ही रेयर हॉस्पिटल हैं जो बहुत ज्यादा बड़े हॉस्पिटल हैं तो उनमें हो सकता है अलाउ करते हों, लेकिन जनरली अलाउ नहीं किया जाता है। जो विकसित देश है, अमेरिका जैसे देश है, उनमें हस्बैंड को अलाउ किया जाता है, लेकिन इंडिया में नहीं किया जाता। मे बी ये रीजन रहा होगा कि हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, हम लोग खुद चाहे कितने ही तकलीफ में हों, लेकिन जब वाइफ की बात आती है, कोई फैमिली मेंबर की बात आती है, उस टाइम उनको इतना ज्यादा पेन में होके, क्योंकि सभी को पता है कि लेबर पेन के दौरान काफी पेन होता है, लेडीज काफी चीखती चिल्लाती हैं, उस टाइम देखो फैमिली मेंबर बहुत भावुक हो जाते हैं, उस चीज को लेकर हो सकता है कि घबरा जाए, तो आई थिंक इसलिए अलाउ नहीं करते होंगे, मे बी ये रीजन हो सकता है। चौथा क्वेश्चन आता है कि आपको डिलीवरी के दौरान कब पुश करना है और कैसे पुश करना है? बहुत जरूरी सवाल है ये समझना आपके लिए, कब पुश करना है। तो देखिए, जब आपको पेन आ रही हो, जब आपकी सर्विक्स कम हो, बच्चादानी का मुंह 10 सेंटीमीटर ओपन हो जाए और आप डिलीवरी रूम में हो, तभी आपने पुश करना है। ऐसा नहीं करना कि जब आपको पेन शुरू हो जाए तभी से आपने पुश करना शुरू कर देना है, वरना आप पहले ही बहुत ज्यादा थक जाओगे। और पुश करने का सबसे बेस्ट पोजिशन क्या है कि अपने जो थाइज है, थाइज को अपने पेट पे रखिए। इस पोजीशन में क्या होगा कि आपको मैक्सिमम आप जोर लगा सकते हैं नीचे के साइड, और बच्चे के लिए भी ये पोजीशन कंफर्टेबल होती है बाहर निकलने में। आपको जिस टेबल पे लिटाया जाता है उसके साइड में रोड होती है, पकड़ने का कुछ होता है, दोनों हाथों से आप अच्छे से होल्ड कीजिए, क्योंकि हम हाथों का अगर अच्छे से होल्ड करते हैं तो हम ज्यादा जोर लगा सकते हैं नीचे के साइड। और बस ये सोचना है कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है और आपने कब्जे को बाहर निकालना है, पोटी को बाहर निकालना है। जब आपको पेन आ रहे हो उस टाइम आपने बिल्कुल नहीं रुकना है। अगर मान लो बच्चे का सिर आपके प्राइवेट पार्ट में आ चुका है, उस टाइम आप पुश नहीं करते हो, तो बच्चे का सिर अगर लंबे टाइम तक आपके प्राइवेट पार्ट में फंसा रह गया, तो इससे क्या होगा कि बच्चे के सिर को ऑक्सीजन कम मिलेगी। अगर उस टाइम बच्चे को ऑक्सीजन कम मिलती है तो बच्चे को लाइफ टाइम के लिए कोई भी मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज ये गलती बिल्कुल मत करना, ये बार बार आपको बोलती हूँ। जब आपको पेन नहीं आए उस टाइम बिल्कुल रिलैक्स रहिए, उस टाइम आपने पुश नहीं करना है। अगर आप
पेन नहीं आ रहे उस दौरान पुश करते हो, तो इससे क्या होगा आपकी जो बच्चादानी है, यूट्रस है, वो लूज पड़ जाएगा। उस टाइम आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 10 साल बाद 15 साल बाद क्या होगा कि आपका जो यूट्रस है, सर्विक्स है, वो आपके वजाइना के थ्रू बाहर निकलने लग जाता है, जिसको आंग लैंग्वेज में बोलते हैं कि शरीर बाहर निकल रहा है। तो इन फ्यूचर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेन मोटी मोटी बात यह है कि पेन आए तो आपने पूरी जी जान ताकत के साथ जो पुश करना है, नहीं आए उस टाइम रिलैक्स रहना है। अगर आप सही पुश कर रहे होगे तो 2-3 पुश में, मैक्सिमम 4 पुश में आपकी डिलीवरी हो जाएगी, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगता है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। अगर कोई डाउट लगे आपने डॉक्टर से पूछिए, लेकिन पुश करने में गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। पांचवा सवाल आता है कि क्या डिलीवरी के दौरान आपके डॉक्टर आपको डांटते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में देखो ऐसा नहीं होता है, वो तो आपके हो सकता है थोड़ा सा डॉक्टर आपके गुस्से में हो तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली आपको डांटा नहीं जाता है। अगर डांटती भी है तो डॉक्टर इसलिए डांटती है ताकि उस टाइम आपको गुस्सा आए और गुस्से में आप पूरे अच्छे से पुश करें, पुश करने में आप गलती बिल्कुल नहीं करें। सिविल हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत डांटा जाता हो, क्योंकि वहां पे नर्सें ज्यादा डिलीवरी करवाती हैं, तो मे भी हो सकता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादातर नहीं होता और वैसे ही डॉक्टर पे डिपेंड करता है। छठा क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल डिलीवरी में जो चीरा लगाया जाता है क्या उसमें दर्द महसूस होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि उस टाइम आपको एनेस्थीसिया लगा दिया जाता है, तो इसलिए चीरे के दौरान आपको दर्द महसूस नहीं होता। सातवां आता है कि क्या टांके लगाते टाइम दर्द महसूस होता है। जो एनेस्थीसिया आपको लगाया जाता है उसका असर जो है 15-20 मिनट तक रहता है, तो इसलिए टांके लगाते टाइम भी आपको दर्द महसूस नहीं होता। अगर हम बात करें कितने टांके आते हैं, तो आपको एक टांके से लेकर 5 या 6 तक आपको टांके आ सकते हैं। आठवीं हम बात करें, क्या ये चीरा सभी को लगाना जरूरी होता है? तो सभी को जरूरी नहीं होता। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपके बच्चे का सिर बड़ा है, वजन ज्यादा है, उसकी तुलना में आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसका मुंह छोटा है, सर्विक्स का मुंह छोटा है, तो उस कंडीशन में आपके डॉक्टर आपको चीरा लगा सकते हैं। तो अदरवाइज अगर डॉक्टर को लगता है कि बच्चा बहुत छोटा है, जरूरत नहीं है, तो नहीं भी लगाते हैं। लेकिन आजकल क्या कि ऑलमोस्ट डॉक्टर चीरा लगा देते हैं। आपने सुना वो पहले की लेडीज को चीरा वगैरह नहीं लगा जाता था, तो उनके आगे जाके क्या होता था कि बार बार पुश करने से उनकी जो बच्चेदानी है वो ढीली पड़ जाती थी। और इन फ्यूचर कई लेडीज का क्या होता था कि जो यूट्रस है वो प्राइवेट पार्ट के थ्रू बाहर निकलने लग जाता था, तो इसलिए आजकल जो डॉक्टर चीरा लगा देते। और मुझे लग रहा है कि वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो रहा है, तो जो भी बचे हुए सवाल हैं, जो रह गए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए आपका कोई भी सवाल है, कुछ भी आपके मन में चल रहा है, तो प्लीज अपना सवाल जो है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगी मैं, आपके उन सवालों के जवाब भी उस वीडियो में दे दूंगी जो भी आपके दिमाग में चल रहे हैं। इस वीडियो को अपने दोस्त में, रिश्तेदारी में, अपने जो भी व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप में जो भी प्रेग्नेंट है उनको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।